बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में बॉडी बिल्डिंग खेल को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा साल 2018-19 में शानदार प्रदर्शन किया गया। लखनऊ के चर्चित होटल में बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की तरफ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के पद चयन व उनकी जीत पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन प्रमुख साजिद अहमद कुरैशी ने बताया, इस तरह के कार्यक्रम का मकसद बॉडी बिल्डिंग टीम में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल कर और बॉडी बिल्डिंग गेम के बढ़ावा प्राप्त हो सके। आज लखनऊ बॉडी बिल्डिंग एंड यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने एक सम्मान समारोह रखा, जिसमें हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर चेतन पठारे, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में जनरल सेक्रेटरी अभी नए न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, उनका एक सम्मान समारोह रखा हम लोगों ने, जिसमें मिस्टर प्रेमचंद डेगरा, पद्मभूषण श्री, वो यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, आनंदेश्वर पांडे हैं इंडियन ओलंपिक गेम्स के अध्यक्ष, वो यहाँ पे आए हुए हैं। प्रेमचंद डेगरा साहब हैं, हमारे सारे ऑफिशियल्स हैं यूपी बॉडी बिल्डिंग के, जिन और कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जिनको हम लोग सम्मान कर रहे हैं। एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं यूपी गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट्स को, जो हम लोगों के लिए इस गेम्स में एक जॉब्स का ऑप्शन मिले, खिलाड़ियों को जो सिल्वर मेडल गोल्ड मेडलिस्ट जीत रहे हैं उनको एक अच्छा ऑप्शंस मिले यूपी गवर्नमेंट्स पे, क्योंकि पंजाब एंड महाराष्ट्र बाकी की स्टेट्स ऑलरेडी हम लोगों पे जॉब्स दे रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में। तो हमारा एक मैसेज है कि यहाँ पे भी यूपी में भी हमें बॉडी बिल्डिंग गेम में प्रमोशंस मिले और जॉब्स में जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कुछ बेस्ट कर सके। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।